सर पठान के रिलीज के पहले आदि पुरुष ने रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है, क्या कहना है आपका? जी देखिए, ये तो होना ही था। देखिए वैसे ही पहले से लोग जबरदस्ती लगे हुए थे कि भैया पठान वर्सेस आदि पुरुष, पठान का बिजनेस खा जाएगी, आदि पुरुष पठान का ये कर देगी वो कर देगी, 10 तरह की बातें कर रहे थे। अब उनको निकालो बाहर, पहले तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कौन लोग थे ये जो बोल रहे थे ना कि पठान का बिजनेस खा जाएगी, पठान फ्लॉप हो जाएगी, आदि पुरुष की वजह से पठान को स्क्रीन्स तक नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा, क्या हुआ भैया? निकल गई, भाग गए। अब तो पहले ही भाग गए, टीजर रिलीज के पहले भाग गए, वो तो अच्छे हो टीजर के पहले भाग गए, बाद में तो भैया और बेइज्जती होती कि भैया टीजर देख के फट गए इसलिए भाग गए। पहले देखिए सुनने में आ रहा था पोस्टपोन कर दिया, समर में पहुंचा दिए, अप्रैल मई जून के आसपास फिल्म देखने को मिलेगी अब आदि पुरुष। अब तो सुनने में आ रहा भैया और पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उसके VFX वगैरह का काम फिर से वो कर रहे हैं। पूरा सुनने में आ रहा है कि 100-150 करोड़ रुपए का बजट फिर से भैया वो लगा रहे हैं उस पर, सिर्फ VFX के लिए। इतने बुरे तो देखिए VFX थे, अब क्या ही कर लोगे आप? VFX पे काम कर भी लोगे तो कैरेक्टर कैसे आप सही करोगे? जो आपने सबको हर कुछ बना दिया, श्री राम जी देखिए वो नंगे पैर थे वनवास में, आपने उन्हें भी चमड़े का क्या क्या पहना दिया, वो सारी चीज़ें कैसे सही करोगे? रावण का लुक कैसे सही करोगे? वो तो सोने की चलो लंका आप बना दोगे, वो जो खंडर था VFX से, बाकी चीज़ें आप कैसे सही करोगे? पूरे रिशूट ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए फिल्म का तो अब कोई भरोसा नहीं है कि आदि पुरुष कब रिलीज़ होगी। बाकी पठान का तो देखिए टीजर ने फाड़ दिया, जब आदि पुरुष का भी टीजर सब लगे हुए थे, ऐसा आएगा वैसा आएगा, सबकी बोलती बंद हो गई थी आदि पुरुष के टीजर का, इतना घटिया टीजर था वो कार्टून जैसा। और वो आदि पुरुष के फैंस लगे थे कि भैया नहीं पठान का भी आने दो टीजर, पता चल जाएगा ये वो, टीजर ने फाड़ दिया, हालत ख़राब कर दी आदि पुरुष वालों की, मेकर्स की, वो तो वैसे ही भगी गए पठान के डर से, और पठान भी बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी।